हिंदू धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व होता है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेंगे। कुंडली के पितृदोष दूर करने के लिए पितृपक्ष का समय सबसे अच्छा माना जाता है। कुंडली के पितृदोष दूर करने के लिए पितृपक्ष का समय शास्त्रों में भी अच्छा बताया गया है। इन दिनों पितरों को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। साथ ही पितृदोष दूर करने के लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं। इसलिए आइए ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक से जानते हैं कि कुंडली में पितृदोष दूर करने के लिए पितृपक्ष के दौरान कौन से उपाय हमें करने चाहिए, जिससे हमारे पितृगण खुश हों और प्रसन्न होकर हमें उनका आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यदि आप पितृदोष से परेशान हैं और यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप निश्चित ही ये जो कारण हम आपको बताने जा रहे हैं, इन कारणों से आप पीड़ित होंगे। पहला, संतान संबंधित आपको परेशानी रहेगी। आपके पुत्र या पुत्री जो हैं उनके रोजगार में व्यवधान होगा या उनके विवाह होने में कई प्रकार की अड़चनें आ रही होंगी। घर में आर्थिक संकट होगा, रोजगार की कमी होगी, घर में लगातार बीमारी अस्वस्थता बनी रहेगी, घर में कई प्रकार के संकट, आर्थिक संकट, कर्जे की स्थिति बनी रहती है, या जो व्यापार व्यवसाय आप कर रहे हैं उसमें आपको आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ प्राप्त नहीं हो रहा होगा। यदि इस प्रकार की किसी स्थिति का आप सामना कर रहे हैं तो निश्चित ही आप पितृदोष से पीड़ित हैं। कहीं ना कहीं पितृदोष आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न कर रहा है। तो साधारणतः इसके जो उपाय हैं, यह 16 दिन जो है पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहा गया है, इसमें हमको हमारे पितरों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, होम हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गाय को, कुत्ते को, कौए को, चींटी को और जो अतिथि की बलि है पंचबलि कही गई है वह पंचबलि हमको देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पितृदोष शांति के जो विशेष उपाय हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं उनकी भी हम चर्चा करते हैं। दक्षिण की जो दीवार है, दक्षिण की दिशा पर हमारे पितरों का फोटो लगा करके हमको वहाँ नित्य प्रति तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। नंबर दूसरा, जो हमारे घर की दक्षिण दिशा है और दक्षिण दिशा में हमको पितरों के निमित्त सायंकाल प्रतिदिन तेल का दीपक लगाना चाहिए। पीपल की पूजन करें, पीपल की जड़ में एक लोटे में दूध डालिए, जल डालिए, काले तेल डालिए, अक्षत डालिए और सफेद पुष्प डाल करके पीपल की जड़ में अपने पितरों के निमित्त उस जल को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष की शांति होती है। पीपल के परिक्रमा लगाना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करने से, भगवान विष्णु का अर्चन करने से, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से या श्रीमद् भागवत का मूल पाठ कराने से भी पितृदोष की शांति होती है। इसके अतिरिक्त जो हमारे शास्त्रों में नारायण बलि की विधि बताई गई है, त्रिपिंडी श्राद्ध की विधि बताई गई है, श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण इत्यादि के जो विधान कहे गए हैं उन विधान को हमको करना चाहिए और पितृ गायत्री का हमको जप करना चाहिए। यदि इस प्रकार से हम हमारे पितरों की संतुष्टि के लिए, आत्म शांति के लिए प्रयोग करते हैं, कार्य करते हैं और जब पितरों को संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वे उत्तम लोकों की ओर जाते हैं तो हमारा पितृदोष समाप्त होता है, हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति की प्राप्ति होती है, हमारे जीवन में जो भी संकट है, आपत्ति है, विपत्ति, वे सब दूर होते हैं।